सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A2 कोर के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी A2 कोर का यहाँ पर रेंडर निकल के सामने आ गया है और ये स्मार्टफोन यहाँ पर बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। ये एक एंड्रॉयड गो एडिशन का स्मार्टफोन होगा और ये स्मार्टफोन रिप्लेस करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी J2 कोर को। अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले सैमसंग 4000, 5000, 6000 में कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करता था, लेकिन अब सैमसंग शाओमी को टक्कर देने के लिए 4000, 5000 और 6000 में भी अपने स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहा है। बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी A2 कोर की प्राइसिंग 5000 रुपीस हो सकती है। तो 5000 में सैमसंग इसे इस स्मार्टफोन से टक्कर देगा रेडमी के गो स्मार्टफोन को और रियलमी के C1 को। देखते हैं कि कितना हद तक टक्कर दे पाएगा, लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से सैमसंग का ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा जो लोग 5000 में सैमसंग का स्मार्टफोन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था कि सैमसंग A सीरीज में एक एंड्रॉयड गो स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम अभी निकल के सामने आ गया होगा, मतलब आ गया है, और ये स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A2 कोर। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो गिग बेंच में भी देखा गया था तो इसमें बताया गया कि आपको मिलने वाला एंड्रॉयड का ऑडियो, और जब रिलीज किया जाएगा तब बताया जाएगा कि आपको एंड्रॉयड का पाई भी मिल सकता है। एक्जोनस का 7870 का आपको चिपसेट मिल जाएगा, 1GB का रैम मिलेगा और 5 इंच का आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। तो इस फोन में आपको मिलेगा एक्जोनस का 7870 का चिपसेट, जो चिपसेट क्वालकॉम के चिपसेट से अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 से ये चिपसेट कंपेयर कर लेता है। तो इसका मतलब 5000 में आपको काफ़ी अच्छा चिपसेट यहाँ पर सैमसंग दे रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि यही चिपसेट आपको बाकी बहुत सारे स्मार्टफोन में सैमसंग के ही देखने को मिल जाता है। तो चिपसेट काफ़ी अच्छा है और आपको सैमसंग 5000 में दे रहा है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा डील बन सकता है। तो इस चिपसेट से आप गेमिंग मल्टीटास्किंग आराम से कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप जो उतना हाई गेमिंग नहीं खेल सकते, लेकिन हाँ, आप अच्छा खासा यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं प्राइस को देखते हुए। तो इस फोन का जो डिस्प्ले है वो है 5 इंच का, जो कि एक WBGA डिस्प्ले होने वाला है। आपको HD+ भी अगर सैमसंग देता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन आपको कोई बात नहीं, आपको 5000 में आप सैमसंग से उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सके। बैक में आपको सिंगल कैमरा का सेटअप मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो ओवरऑल आपको कैमरा काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए ठीक है जो अभी अभी फीचर फोन से कोई स्मार्टफोन देख रहे थे, या फिर लोग देख रहे थे कि भाई सैमसंग का कोई 5000 में अगर स्मार्टफोन मिलता है तो हम उसे बाय कर लें, तो उन लोगों के लिए ये स्मार्टफोन सही रहने वाला है जो लोग 5-6000 में सैमसंग का स्मार्टफोन देखते हैं। तो ये स्मार्टफोन सैमसंग का जो J2 कोर है जो कि आजकल मिल रहा है उसे रिप्लेस कर देगा, और तब आपको सैमसंग का J2 कोर नहीं मिलेगा। आप लोगों को पता है कि सैमसंग ने रिसेंटली में सैमसंग के J सीरीज को बंद कर दिया, उसके बदले में सैमसंग ने एक नया सीरीज लाया जो कि था सैमसंग के M सीरीज। तो इसलिए सैमसंग का जो A सीरीज है वो अभी ऑफलाइन मार्केट को यहाँ पर टारगेट किए हुआ है। सैमसंग गैलेक्सी A2 कोर बताया जा रहा है कि बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा, अभी तक कोई ऑफिशियल डेट तो निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन देखते हैं कि सैमसंग कभी से लॉन्च करता है, और अप्रैल के मंथ में सैमसंग का इवेंट भी है, देखते हैं वहाँ पर सैमसंग क्या करता है और कितने नए स्मार्टफोन आपको ऑलरेडी A सीरीज में देखने को मिलता है। तो सैमसंग का A2 कोर एक अच्छा स्मार्टफोन है, बजट कैटेगरी का, बजट से भी बजट का स्मार्टफोन है। जो लोग अभी एक कीपैड वाला स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, मतलब कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, उनके लिए एक अच्छा मूव मैं बोल सकता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।